Good morning, all of you. Limit. Next chapter. This is foundation stone of differential calculus or integral calculus. चाहे differential calculus की बात करो, चाहे integral calculus की बात करो, इनका जो backbone है ना, that is limit. Limit का नाम जब हमने पहली बार सुना, तो हमारे दिल में कुछ अजीबोगरीब बातें आईं. क्या ये वही limit है, जो घरेलू wives अक्सर अपने पतियों को डराने के लिए इस्तेमाल करती है? You have crossed your limit. ये नहीं चल पाएगा. आज तो हद कर दी तुमने. ठीक है, लिमिट क्रॉस हो चुकी है. क्या इस लिमिट का रिश्ता कंट्रीज या स्टेट में यूज करने वाली सीमा से है? सही है. क्या इस लिमिट का रिश्ता रास्ते पर चलने वाली गाड़ी के लिए दी गई स्पीड लिमिट से है? अलग अलग जगह पे हम लोग इस लिमिट जो शब्द है, ये डे टू डे लाइफ में बहुत नॉर्मली सुनने में आता है. एक एडल्ट लगी मूवी कि एज रेस्ट्रिक्शन में भी इस लिमिट का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. क्या इस लिमिट का मतलब उससे है? नहीं. तो जब लिमिट शब्द को हमने पहली बार सुना, तो हमारे जहन में ये कुछ सवालात, जब कैलकुलस के अंदर हमने लिमिट पहली बार सुना, तो ये कुछ सवालात आना बिल्कुल नॉर्मल थे. ठीक है, तो इन सवालों को अगर हम पर्दे पे लिखें, तो ये सवाल कुछ इस तरह के हैं. फर्स्ट #1, भाई किसकी लिमिट की बात हो रही है साहब? ठीक है, लिमिट ऑफ व्हाट? आंसर वॉज वेरी सिंपल. हम कैलकुलस के अंदर किस काम के लिए बैठे हैं भाई? हम लोग कैलकुलस के अंदर फंक्शन नाम के एक आइटम के कंप्लीट पोस्टमार्टम के लिए बैठे हैं. कि भैया मुझे तो पूरा पोस्टमार्टम करना है. किसका? फंक्शन का. सही है, तो लिमिट ऑफ व्हाट? फंक्शन. मैं किसकी लिमिट की बात करूंगा भैया? फंक्शन की लिमिट की बात करूं. सेकंड क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि चलो फंक्शन की लिमिट की बात हुई, तो क्यों भैया ऐसा क्या पाप हो गया था कि लिमिट की बात करने? लिमिट मतलब सीमा. है लिमिट वही जिसके अंदर पति को रहने के लिए मजबूर किया जाता है. चीज तो वही है. ठीक है, लेकिन फंक्शन में ऐसा क्या हुआ भाई? फंक्शन के लिए लिमिट क्यों डिफाइन करी गई? वाई टू इवेल्युएट. एंड थर्ड एंड लास्ट, चलो पता पड़ गया साहब, अल्टीमेटली पता पड़ गया कि रहना है भाई तुम्हें लिमिट के अंदर. तो लास्ट हाउ, व्हाट, Why, how, किसकी, क्यों और कैसे? How to evaluate. भाई निकालनी कैसे है तो बता दो. आपने ही बता दिया कि किसकी निकालनी है? फंक्शन की निकालनी. क्यों निकालनी है अभी बता रहे हैं. कैसे निकालनी है इज द एंटायर कंप्लीट पूरा चैप्टर यही है भाई. पूरे चैप्टर के अंदर इसी चीज की बात करनी है. Why to evaluate? बात है 9वीं 10वीं. ये उन दिनों की बात है जब फंक्शन का नाम भी हम लोगों ने नहीं सुना था. बड़े हुए तो तब पता पड़ा कि जो बचपन में सुना था उसे फंक्शन कहते हैं. वही हमारा प्यारा y = 2x + 5. लोगों ने जब पहली बार प्लॉट करना चालू किया, ये मेहनती लोगों की बात हो रही, हमारी बात नहीं हो रही. हम लोग तो ये 60-60 डिश प्लॉट. ये मेहनती लोगों की बात हो रही. मेहनती लोगों ने जब इसकी प्लॉटिंग स्टार्ट करी, तो उन्होंने टेबल बनाना चालू किया. जल्दी जल्दी बोलूँगा, ज़्यादा टाइम. टेबल बनाना चालू करा, एक्स रखा, वाई मिला, एक्स रखा, वाई मिला, एक्स रखा, वाई मिला, ऐसे कुछ 10, 15, 20, 25, 40, 50, 100, 150, 200, 250, 50,000, जितने भी उन्होंने पॉइंट्स बनाए और उन पॉइंट्स को जोड़ा, तो इसका कर्व बना. वो जो भी बना, जैसे आप लोग स्ट्रेट लाइन कहते हैं, उसे इस फंक्शन का कर्व बोला जाता है एक्चुअली. ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम मेहनती लोगों की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है कि फंक्शन खुद से बनाते गए
और प्लॉट करते गए, बनाते गए, प्लॉट करते गए, बनाते गए, प्लॉट करते गए, यही सिलसिला चलता रहा भाई। एक दिन अचानक से उन्हें द फेमस क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री टाइप का फंक्शन बना डाला। ये उस जमाने की बात है जब ना इस दुनिया में डोमेन हुआ करते थे ना कुछ हुआ करते थे, उन्हें कुछ नहीं पता था, उन्हें सिर्फ एक लॉजिक पता था, उस लॉजिक को वो एक्स वाई एक्सिस पे प्लॉट करना सीख गए थे किसी तरीके से, टेबल टूबल बना के, जिसमें वो एक्स रखते थे वाई मिल जाता था, एक्स रखते थे वाई मिल जाता था। यही सिलसिला उन्होंने इस नाम के फंक्शन को जब बनाया तो भी जारी रखा। ठीक है, एक आम इंसान एक्स की जगह सबसे पहले जीरो रखता है, उसने जीरो रखा, थ्री मिला, वन रखा, फोर मिला, टू रखा, फाइव मिला, थ्री रखा, भेजा, खराब हो गया उनका, बिल्कुल समाप्त। ठीक है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो हम नहीं थे, वो मैथमेटिशियन थे, तो उनमें थोड़ा सा था एक्चुअली। कि हम लोगों को तो क्या है, जैसी एक जैसी चीज दिखी बजाया खटाक वन, हमारी तो आदत में घुस चुका था ना ये चीज कि ऊपर नीचे एक जैसी चीज दिखे बजा देने का, वन लिखने का, सीधी बात है। उन्होंने कंट्रोल किया, एक्स की जगह जब थ्री रखा इसके अंदर है। आज का लेक्चर अगर आपने शब्दों पर ध्यान रख लिया ना तो लिमिट का क्वेश्चन गलत होना ही बहुत मुश्किल है भाई, गलत होना ही बहुत मुश्किल है अगर शब्दों पे ध्यान दे दी। एक्स की जगह जब मैथमेटिशियंस ने इसके अंदर थ्री डालने का डिसाइड किया तो उनका भेजा क्यों घुमा, बिकॉज दे हैव गॉट जीरो अपॉन जीरो। जैसा मैंने कहा कि वो हम नहीं थे इसलिए उन्होंने बजाया नहीं कंट्रोल, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आना एक्सप्रेशन को मैथ में नॉनसेंस बना देता है ना। डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, आप ध्यान दीजिए शब्दों पे। न्यूमरेटर के जीरो में तो इंटरेस्ट ही खत्म हो गया भाई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ आके अटक गया, डिनोमिनेटर की जीरो। जीरो इन डिनोमिनेटर मेक्स द एक्सप्रेशन नॉनसेंस, बात करना उसके बाद बंद कर दी जाती, सभा बुलाई गई कि आप क्या करें भाई, तीन इसमें नहीं रख सकते हैं। एक डोमेन नाम की चीज डिफाइन करी गई, डोमेन एक्स की वो वैल्यूज थी जो उस फंक्शन में रखी जा सकती है फॉर सम रियल आउटपुट, फॉर सम रियल आउट, फंक्शन की वो वैल्यू जो फंक्शन में रखी जा सकती है जिसके लिए वो आउटपुट कैसा दे, रियल, को कहा गया डोमेन। और सामूहिक रूप से डिसाइड कर दिया गया कि इस फंक्शन में एक्स की जगह थ्री नहीं रखा। मैथमेटिशियंस बहुत खुश, एक पॉइंट कम हो गया ना भाई ठोकने से, सही है। अब लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मास्टर ने कहा कि वो हम नहीं थे, तो उनमें तो बुद्धि थी ना भाई, ऐसे थोड़ी वो कोई जीरो के बाद वन, वन के बाद टू रखते जाते थे। ये तो हम लोग हैं आलसी जो जीरो के बाद वन, वन के बाद टू रखते हैं। उन्होंने तो वन के बाद 1.00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 
बात है समझने की, सही है। तो जब सामूहिक रूप से डिसाइड हुआ कि आप थ्री नहीं रख सकते, तो फिर लोगों में एक बात ये उठी कि चलो थ्री डोमेन में नहीं है, लेकिन थ्री का नेबरहुड तो डोमेन में है। मार्केट में एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई, नेबरहुड। नेबरहुड मतलब अड़ोसी पड़ोसी। रियल नंबर लाइन पे अगर हम तीन के आसपास देखें तो कितने पड़ोसी मुझे नजर आएंगे, मतलब कितने तरफ के पड़ोसी मुझे नजर आएंगे, दो तरफ। एक तीन से जस्ट बड़ा नंबर और एक तीन से जस्ट छोटा नंबर। तीन के पड़ोसियों की अगर बात करें तो एक मुझे तीन से जस्ट बड़ा नंबर और एक मुझे तीन से जस्ट छोटा नंबर। जब डिसाइड हो चुका था कि इसमें तीन नहीं रख सकते, यानी कि इसके डोमेन की अगर मैं बात करूं तो एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट थ्री, एक्सेप्ट थ्री, तो लोगों ने बोला चलो ठीक है, हम इसमें थ्री कभी नहीं रखेंगे और थ्री के हम बात भी नहीं करेंगे कि भविष्य में कभी। वेरी इंपॉर्टेंट एक और लाइन, वी विल नेवर टॉक अबाउट एक्स इज इक्वल टू थ्री फॉर दिस फंक्शन, क्योंकि वो डोमेन में ही नहीं। हम कभी भी किसी भी फंक्शन की किसी भी क्वालिटी के बारे में जब कुछ डिस्कस करते हैं तो हमारा कंसर्न सिर्फ उसके डोमेन के अंदर होता है। रीजन बहुत साफ है, क्योंकि मुझे उसका ग्राफ बनाना है और मैं ग्राफ हमेशा डोमेन के अंदर बनाता हूँ। थ्री भी मुझे उसका ग्राफ ही नहीं बनाना, लेकिन थ्री का नेबरहुड में तो ये फंक्शन डिफाइन है भाई। अगर सिर्फ थ्री को डोमेन में से हटाया गया है, यानी कि थ्री के नेबरहुड में थ्री से जस्ट छोटे और थ्री से
जस्ट बड़े के लिए, तो उस फंक्शन का कोई ना कोई आउटपुट आना चाहिए, नहीं समझ आ रहा? ठीक है, अब 3 से जस्ट छोटे और 3 से जस्ट बड़े के लिए अगर इस फंक्शन का आउटपुट आना चाहिए तो सवाल आया कैसे, कैसे निकाल, दैट इज दैट विल बी स्टडी इन हाउ टू इवेल्युएट, कि अगर आपको 3 के नेबरहुड में इसकी वैल्यू निकालनी है। समस्या ये थी कि वो मैथमेटिशियंस थोड़े से दिमाग वाले थे, वो 3 से जस्ट छोटा नंबर सिंपली इसके अंदर ठोक के इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते थे। इसका रीजन क्या, अगर आपसे कोई पूछता है कि 3 से जस्ट छोटा नंबर क्या है, ही सेड 2.99999 आगे तक, 2.9 बार, 2.999999, क्या आपका आंसर इनसे अलग है कि सेम? आपका अलग है, गुड। क्यों अलग है? उनका आंसर जब तक उनकी क्षमता है तब तक रखते जाए। एक्सीलेंट आंसर, 2.9999999 और 2.9 बार जो है ये अलग अलग आंसर है, क्योंकि 2.999 पीछे रोकना पड़ेगा, पीछे लो, सुनो सुनो, नहीं नहीं 2.99, अरे तुम करो रे यार, 2.9 बार और 2.99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 
है क्योंकि 2.9 बार एंश्योर्स कि सारे 9 है. पहली बात 2.99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 
दिस इज बेटर आंसर. ठीक है, सेकेंड बार 2.9 बार इज एक्चुअली 3. इफ आई ट्राई टू कन्वर्ट दिस इन टू पी वाई क्यू फॉर्मेट तो वो 3 आएगा. ठीक है, ओके फाइन. तो बेसिक मुद्दे की बात ये थी कि 3 से जस्ट छोटा नंबर, रियल नंबर नहीं है, इसलिए उसे इसमें रख के इसका आउटपुट निकाला जा पाना मुश्किल था. सेम केस विथ 3 से जस्ट बड़ा नंबर. अगर हमसे कोई 3 से जस्ट छोटा या 3 से जस्ट बड़ा नंबर पूछेगा तो हम बेशर्मों की तरह शुरू नहीं हो जाएंगे 2.99 है, दिस इज रॉन्ग. हम एक बारी चुप रहेंगे, एक बारी हम चुप रहेंगे कि हमें नहीं पता. फिर वो पीछे पड़ेगा, आदत है ना इंडियंस की, वो पीछे पड़ेंगे, कीड़ा करेंगे उंगली कि नहीं बता, तुझे बताना पड़ेगा. तो फिर उसको मुंह बंद करने के लिए हम कह सकते हैं कि 2.99999999999999, वो अपने आप रोक देगा, रुक जा. हाँ तो रुक जाओ, खत्म. दैट्स इट. दिस इज द नंबर विच इज जस्ट स्मॉलर देन 3. पहले हम चुप क्यों थे? क्योंकि पहले हम अपनी बुद्धिमानी का उसको सबूत पेश करना चाहते थे कि बेटा 3 से जस्ट छोटा नंबर किसी को नहीं पता है. अब तू जबरदस्ती पीछे पड़ जाएगा तो ले फिर, ऐसे हम तो जानते ही है ना, क्लियर है. तो वो नंबर जब पता ही नहीं था तो ठोके कैसे, और ठोके कैसे तो आउटपुट नहीं मिले हैं. तब डेवलप हुआ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नोशन ऑफ लिमिट वॉज इवॉल्व्ड, एंड दैट नोशन ऑफ लिमिट सेज लिमिट एक्स अप्रोचेस 3. नोशन ऑफ लिमिट, लिमिट का नोशन डेवलप किया गया, भैया लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 निकालना है. किस पे? एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3. सही है, अ वेरी बिग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन चीज, लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 मीन्स एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3. लिमिट नाम के चैप्टर में, पूरे चैप्टर की अगर हम बात करें, हम कभी भी 3 पर का हो रहा है मैं इंटरेस्टेड नहीं है. तो हम किस में इंटरेस्टेड है? 3 के नेबरहुड में क्या हो रहा है मैं इंटरेस्टेड. सही है, इसके बारे में तो खैर हम और डिटेल में भी बात करेंगे. बात आई वाई टू इवेल्युएट, जरूरत क्यों पड़ी भाई? इस तरह की जो अजीबोगरीब सिचुएशंस थी ना 3 रखने पे, ये जो पागलपने वाली सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी 0/0, सच फॉर्म्स आर कॉल्ड इन डिटर्मिनेंट फॉर्म. इन डिटर्मिनेंट नाम खुद ही चीख चीख के बोल रहा है, मैं वो हूं जिसे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, दैट इज इनडिटर्मिनेंट.
मैं वो हूँ जिसे डिटरमाइन नहीं किया सकता। सब समय के साथ साथ चीज़ें और तरसती गई, सही है? तो लोगों ने बोला इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, वो फॉर्म्स जिन्हें यूनिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब डिटरमाइन ही नहीं किया जा सकता, चैप्टर किस लिए बना रखा है भाई? डिटरमाइन तो हम करेंगे, यूनिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता का मतलब जिनका आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है? कौन सी वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स? सबसे पहले मार्केट में आई 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। दीज टू इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड बेसिक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। ये बेसिक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, जैसे साइन और कोसाइन है। साइन और कोसाइन आर बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड रेस्ट फोर आर डिराइव्ड टी रेशियोज, जिसे इंसानी लालच ने डेवलप किया धीरे 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 धीरे। 0/0 एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आर कॉल्ड बेसिक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स। इसके बाद तो फिर तो लहर लग गई भाई, लोग बनाते गए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 × ∞, 1 raised to the power ∞, 0 raised to the power 0 और ∞ raised to the power 0। देयर आर टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स आर देयर। भैया 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है मार्केट में, मतलब क्या है पहले ये समझ लो। अगर कभी भी कोई क्वेश्चन मुझे दिया गया है, उनमें अगर इन 7 में से कोई एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नजर आएगी, नजर आएगी कैसे? एक्स अप्रोचेस 3, एक्स की जगह 3 रखने की कोशिश करूंगा इसके अंदर। अगर इसमें 3 रखने की कोशिश करूंगा तो 9 - 9 = 0, नीचे 3 - 3 = 0, फॉर्मेट इज 0/0। दैट फॉर्मेट इज कॉल्ड 0/0 फॉर्म, विच इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है? तो वो क्वेश्चन बन गया मेरा लिमिट का। वाई टू इवेल्युएट, तो ये कि जब भी मेरे को किसी क्वेश्चन के अंदर इन 7 में से कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नजर आती है तो मुझे लिमिट कैलकुलेट करने की जरूरत महसूस होती है। फिर मैं जाता हूँ तीसरे वाले क्वेश्चन के पास, हाउ टू वेल, भैया निकालनी कैसे बता दो यार, निकाल के आंसर दें। चलिए ठीक, अभी तो हुई है 7 रिस्ट, इसमें यहाँ पे हमने खोपचे में एक चीज़ और लिख ली यहीं पे इसी के नीचे, जहाँ पे ये सब चीज़ें छापनी है, ये सब कुछ सब एज इट इज, जिससे स्टोरी क्लास की बिल्कुल ध्यान रहे आपको। 0 raised to the power ∞ इज नॉट एन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, दिस इज इक्वल्स टू 0। 0 raised to the power ∞ कभी कभी लोग भाग भावुकता में 0 raised to the power ∞ को इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मान लेते हैं, ठीक है? अच्छा, जैसा मैंने अभी आपको बोला, इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट इस दुनिया में सिर्फ 2 ही हैं, 0/0 और ∞/∞। ये सब इंसानी लालच है जो धीरे 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 डेवलप हुए। इनमें से 5 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हम लोग लिमिट नाम के चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, और ये बाकी की जो 2 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ये बाद में मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के साथ लॉपिटल रूल से पढ़ा जाएगा। चलो वो तो बाद की बात है, अभी तो ये 5 हमें पढ़नी, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले या हाउ टू वैल्यूएट वाले सेक्शन में जाने से पहले हम लोग लिमिट के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। उससे पहले ये 0/0 और ∞/∞ की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसी चीज़ है जो आपको नॉर्मली लोग हकते हुए मिलेंगे, नॉर्मली ये 0/0 और ∞/∞ फॉर्मेट का मीनिंग ही नहीं समझ में आता साहब लोगों को। एक दिन हमसे किसी ने पूछ लिया कि यार ये फंक्शन है x²-9/(x-3), एक्स की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म शो करेगा, एक्स की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म शो करेगा। हमें अगर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म रटी हुई है तो एक सामान्य आदमी होने के नाते व्हाट विल से एट x = 3, एट x = 3 दिस फंक्शन विल शो एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है? हम उन सब कसम वादों को भूल गए थे, उन सब कसम जो मैथमेटिशियन ने हमें थोड़ी देर पहले करे थे, बेटा 0 इन डिनोमिनेटर मेक्स द एक्सप्रेशन नॉनसेंस, डिस्कशन समाप्त हो जाता है अगर डिनोमिनेटर में 0 है। न्यूमरेटर आई डू नॉट केयर क्या लिखा है, अगर डिनोमिनेटर 0 है, अगर डिनोमिनेटर 0 है तो एक्सप्रेशन समाप्त। ये तो दिल की गहराइयों में पूरा बस जाना चाहिए भैया, हर अंग अंग में ब्लड की जगह ये दौड़ना चाहिए, 0 इन डिनोमिनेटर मेक्स द नॉनसेंस, 0 इन डिनोमिनेटर मेक्स द एक्सप्रेशन नॉनसेंस, नॉनसेंस 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 नॉनसेंस।
जिस दिन ये बात हमारे दिलों के अंदर तक घुस जाएगी ना, उसके बाद तो हम x इज इक्व टू 3 की बात ही करना बंद कर देंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ था इस फंक्शन के लिए x इज इक्व टू 3 की चर्चा ही नहीं करी जाती साहब, हैं? तो फिर लोगों ने बोले कि पागल बना रहे हमें। नहीं थी ना, पागल नहीं बना रहे, ढंग से समझने की बात है। इसके लिए हमने सीमा पेश करते हैं खोपचा आइटम। इट्स अ मिलियन ट्रिलियन जिलियन डॉलर चीज, ये जो इसके अंदर हम लिख रहे हैं ना, ठीक है, यही सब कुछ है, बस यही। अगर आपको कोई बेसिक क्वेश्चन के अंदर मारेगा लिमिट के, बड़े क्वेश्चन में कोई नहीं मारता, सबको आते हैं, बेसिक में हक्के आते हैं लोग भागते हो, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने हक दिया, क्योंकि कंसेप्ट तो ढंग से हमने सुना ही कहा, हमने तो क्वेश्चन सॉल्व करते कैसे करते हैं इसी में सारी जिंदगी बिता देते हैं। देखो भैया, टेंड्स टू जीरो अपॉन टेंड्स टू जीरो, ओके, टेंड्स टू जीरो कुछ अलग अलग बातें हैं अपॉन एक्सैक्ट जीरो, एक्सैक्ट जीरो अपॉन एक्सैक्ट जीरो, एक्सैक्ट जीरो अपॉन टेंड्स टू जीरो। कुछ अलग अलग सिचुएशंस हैं जिनमें एक बात अच्छी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जीरो के आसपास है, सब जीरो जीरो वाली फॉर्मेट ही है, सही है। आम समाज इन सबको जीरो बाय जीरो फॉर्मेट बोलता है, इन सबको आम समाज जो होता है वो इन सबको जीरो बाय जीरो फॉर्मेट बोलता है। लेकिन अगर हम जरा सी बुद्धि लगाएं, जरा सी, मैं बोल रहा हूँ मतलब दो कौड़ी की बुद्धि, ज्यादा भी नहीं, दो कौड़ी की, तो इनका डिफरेंस समझ में आ जाएगा खटाखट खटाखट। सिर्फ ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिए, सिर्फ ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, क्योंकि अगर ऊपर या नीचे में से कोई जीरो हो जाता है तब तो सिचुएशन ही बदल गई साहब। जैसे ये बचपन में मास्टर ने कितना रटाया था भाई, कितना, कि बेटा जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, तो फिर ये कौन, गुस्सा बड़ा आता है हमें, हमें गुस्सा बड़ा आता है, साला बचपन में मास्टर ने गिल्ले बनाया हमें, उसने बोला जीरो किसे मल्टीप्लाई कर बेटा जीरो आएगा, फिर ये क्या है साला, ये इस लिस्ट में क्यों शामिल है, जीरो में किसी का भी डिवाइड कर जीरो आएगा, ये इस लिस्ट में क्यों शामिल है, उसे क्या पता था किसी को किसी दिन तुम बेचारा जीरो कर दोगे, उस बेचारे लान को क्या पता तुम किसी दिन किसी को जीरो ले आओगे, जीरो में किसी का डिवाइड करो जीरो आता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी जीरो हो गया तो किसी जीरो हो गया तो फिर ये है, फिर ये है। लेकिन सुनो मेरी बात, इंपॉर्टेंट, अगर ऊपर वाला जीरो और नीचे वाला नॉन जीरो, तो मास्टर की बात सही थी भाई, जीरो ही आंसर आएगा, जीरो ही आंसर आएगा, इसमें कोई शक नहीं है साहब। मैं फिर कह रहा हूं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में चारों में से कौन, सिर्फ ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, सिर्फ ये नॉनसेंस, ये तो बोल्ड में चीख के बोलना चाहिए नॉनसेंस, जीरो इन डिनोमिनेटर भाई, न्यूमरेटर किसने पढ़ा, न्यूमरेटर पढ़ने का टाइम कहाँ था, डिनोमिनेटर जीरो मेक्स द एक्सप्रेशन नॉनसेंस, तो भीषण नॉनसेंस। ऊपर वाला भी जीरो, खैर ऊपर वाले जीरो से मेरी दुश्मनी नहीं थी, मेरी दुश्मनी नीचे वाले जीरो से है, हैं? ये मिलियन ट्रिलियन डॉलर चीजें जो साइड में लिखी है, ये मैंने तो सस्ते में समझा दी, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है बहुत आसान है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ये जो सातों लिखी हुई है ना, इनमें से एक भी चीज, शब्दों को ध्यान से सुन लो, एक भी चीज एग्जैक्ट नहीं है, इनमें से एक भी चीज एग्जैक्ट नहीं है, एवरीथिंग इज अप्रोचिंग टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अप्रोचिंग एंड एग्जैक्ट, अरे एग्जैक्ट इज एग्जैक्ट, अप्रोचिंग इज अप्रोचिंग। x इज इक्वल्स टू 3 मतलब x एक ऐसा नंबर है जो 3 के बराबर है, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्ट। x अप्रोचेस 3 सेज x इज नॉट इक्वल्स टू 3, x 3 के नेबरहुड में है।
अगर कोई आपको बोलता है रियल नंबर लाइन पे रन टुवर्ड्स थ्री, रन टुवर्ड्स थ्री, तीन की तरफ भागिए, अगर आपको कोई बोलता है रियल नंबर लाइन पे रन टुवर्ड्स थ्री, सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग के अंदर आएगा किस तरफ से, सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए किस तरफ से, बिकॉज देयर आर टू साइड्स, एक दो वाली साइड से और एक फोर वाली साइड से, सही है? सुन लो ध्यान से, एक्स अप्रोचेस थ्री, अप्रोचेस मतलब आपको अप्रोच करना है किसकी तरफ, थ्री की तरफ, होना नहीं है, होना नहीं है साहब, हो गए तब तो तबाही मच गई ना, आपको सिर्फ तीन के नजदीक जाने की कोशिश करनी है। आप जैसे 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 थ्री के नजदीक जाएंगे, दिस विल अप्रोच टुवर्ड्स जीरो, दिस विल अप्रोच टुवर्ड्स, दिस इज कॉल्ड टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो ओवर टेंड्स टू जीरो इज योर एक्चुअल इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। एवरीथिंग इज टेंडिंग, नो वन इज एग्जैक्ट, सही है? और अगर कोई एग्जैक्ट है तो फिर वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है। अगर इनमें से कोई एग्जैक्ट है, अरे यार मास्टर ने कितना बोला था बचपन में, बेटा वन पे कुछ भी चढ़ा ले, वन पे कुछ भी चढ़ा ले, क्या आएगा? तो फिर ये क्या है? अरे ये कुछ नहीं है भाई, ये टेंड्स टू वन रेज टू द पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी है, टेंड्स टू वन रेज टू द पावर टेंड्स टू इन्फिनिटी, विच इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। बेस वन की तरफ जाना चाहता है, पावर इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहती है, तो इनडिटर्मिनेंट है। अगर बेस वन हो गया तो फिर ये वन है, मास्टर गलत नहीं था भाई, वन को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, वन को आंसर वन ही आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर ये जो है ये टेंड्स टू वन है, सही है? अगर इन सातों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को मैं अपने दिल की तरह से बोल के बताऊं ना, तो ये फॉर्मेट ये है, टेंड्स टू जीरो अपॉन टेंड्स टू जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के आगे टेंड्स टू बोलना उसका अपमान है, तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं वो हूं, मुझे कभी आता ही नहीं, तो फिर टेंड्स लगाने की क्या जरूरत, टेंड्स लगाने पे उसका क्या, उसे अपमानित फील होता है कि मैं हो थोड़ी गया अगर तुमने टेंड्स नहीं लगाया तो, मैं तो वैसे भी नहीं हो सकता ना, तो टेंड्स लगा के क्यों जबरदस्ती को अपमानित महसूस कराना। हाँ सुनो, अब देखो कितना अच्छे से बोलूंगा मैं, देखना, टेंड्स टू जीरो अपॉन टेंड्स टू जीरो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, टेंड्स टू जीरो इनटू इन्फिनिटी, टेंड्स टू वन रेज टू द पावर इन्फिनिटी, टेंड्स टू जीरो रेज टू द पावर टेंड्स टू जीरो, इन्फिनिटी रेज टू द पावर टेंड्स टू जीरो। क्योंकि अगर किसी ने कहा कि अगर ये एग्जैक्ट हो गया तो इसका आंसर वन है भाई, अरे भैया किसी की भी पावर जीरो इज वन बे, किसी की भी पावर जीरो इज वन, बशर्ते कि वो टेंड्स टू जीरो ना हो, वो एग्जैक्ट जीरो। अरे मास्टर गलत नहीं था भाई, ना ही उसकी भावनाएं गलत थी, तो हम ही गलत समझ बैठे, ठीक है? इन इंडिटर्मिनेट फॉर्म को लोग बाग गलत समझ लेते हैं कि ये जीरो बाय जीरो फॉर्मेट, जीरो बाय जीरो फॉर्मेट मतलब टेंस टेंस, ठीक है? अच्छा थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर और लगा देते हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि जो पहली और दूसरी है ना ये सेम है, ये पहली और दूसरी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है ये सेम है, इस पर मैं थोड़ा सा और बोलूँगा क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी अच्छी है। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ कि ये जो सारी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है यहीं से निकली है, बेसिक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म सिर्फ जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है। और कमाल की बात यह है कि जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे उनको सॉल्व करने के जो मेथड बनाए गए हैं वो सिर्फ इन दो मेथड के लिए बनाए गए, इन दो फॉर्मेट के लिए बनाए गए, बाकी किसी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म के लिए मेथड नहीं बनाया गया। सबको पहले इनमें कन्वर्ट किया जाता है फिर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी सेम कैसे हैं भाई? लो साहब, जीरो बाय जीरो, बचपन में जब हमने पहली बार फाइव बाय सिक्स लिखा देखा तो हमें पता पड़ा कि इसे वन बाय सिक्स ओवर वन बाय फाइव भी लिख सकते हैं, कैसे मैं भी नहीं जानता लेकिन लिख सकते हैं, ठीक है? उसी टेक्नोलॉजी से जीरो बाय जीरो को किसी ने हमें बोला कि भैया इसे वन बाय जीरो अपॉन वन बाय जीरो भी लिख सकते हो, ठीक है? कुछ लोग तो जो दिलों पत्थर लगा के बैठे थे उन्हें तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, यार कैसा पागल आदमी है भाई, ऊपर भी नॉनसेंस लिखा है नीचे भी नॉनसेंस लिखा है। हमने ढंग से समझाने की कोशिश करी कि ये जीरो नहीं है, कि ये जीरो नहीं है, वन अपॉन टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू, अच्छा ऐसा,
लो 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 यार, और जोड़ लो इसमें खोपचा आइटम में, नॉन जीरो फाइनाइट ओवर टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो ओवर नॉन जीरो फाइनाइट। आंसर बोलो, नॉन जीरो फाइनाइट ओवर टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो ओवर नॉन जीरो फाइनाइट। इनफिनाइट, इनफिनाइट, इनफाइनाइट, इनफिनाइट, इट्स इनफिनाइट, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इट्स इनफिनाइट। हाँ इनफिनाइट, मैं भी यही कह रहा हूँ गिलसी पे। हाँ और ये जीरो, हाँ सही है, टेंड्स टू जीरो जीरो। लो नॉन जीरो फाइनाइट ओवर टेंड्स टू जीरो, मेरा इंटरेस्ट फिलहाल ये है, नॉन जीरो फाइनाइट फाइव टेन कुछ भी, टू वन इवन, वन ओवर टेंड्स टू जीरो। आपको याद हो अगर ये ग्राफ ला 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 ला, ब्यूटी वर्सेस ब्रेन, रिमेंबर वन बाय एक्स का ग्राफ है। देखो साहब लिमिट नहीं, मैं तो 50% कैलकुलस क्लेम करता हूँ अगर ग्राफ पढ़ना आता है तो, बहुत बड़ी बात है भाई, लोग निपट जाते हैं, बना ग्राफ नहीं पढ़ पाते। ये ग्राफ है आपके सामने, ये जीरो है, ये वन बाय एक्स का ग्राफ है। ग्राफ का मतलब ये होता है कि ग्राफ पे इसके आउटपुट पड़े हुए हैं, इस फंक्शन के आउटपुट पड़े हैं, कहाँ, ग्राफ पर, ग्राफ पे इस फंक्शन के आउटपुट पड़े हुए हैं। आउटपुट पड़े हुए का मतलब यह है कि ग्राफ रीड करके आप ये बता सकते हो किस समय क्या आया है। अगर मैं जीरो के नज़दीक, जीरो तो नहीं रख सकते थे, वो तो चैप्टर ही बंद हो चुका था, बात ही नहीं करते थे लोग, बाग जीरो आते तमाचा पड़ता सीधा खिंचा के। लेकिन जीरो का नेबरहुड, अब नेबरहुड को दर्शाने के तरीके ऐसे, जीरो के पास जाने की कोशिश करी गई द्वि साइड से, ग्राफ को देखा, ग्राफ तो या तो आकाश लोक की तरफ जा रहा था या फिर पाताल लोक की तरफ जा रहा था। कहने का मतलब आउटपुट या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, हमें नहीं पता किसकी तरफ जा रहा है, लेकिन यह पता है कि या तो प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है। दिस अप्रोचेस टू ईदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, अगेन दिस ऑल्सो अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस। आई डोंट केयर कि न्यूमरेटर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन फॉर्मेट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है, विच इज योर सेकेंड इंडिटर्मिनेंट फॉर्म। कोई नई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, इन चीज़ों को जितना अच्छे से महसूस करोगे ना उतना अच्छे से आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। दीज टू इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स आर इंटरचेंजेबल इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, इनफैक्ट द फोर्थ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म, फोर्थ इंडिटर्मिनेंट फॉर्म इज सेम। अरे यही है भाई, किसी ने नीचे वाले को टल्ला मारा किचिक, ये साइड में हो गया और साइड में हो गया, ऊपर उसका इन्फिनिटी बन गया। ले फील करने की बात है, कितनी जल्दी फील हो रहा है। जीरो बाय जीरो कैन बी रिटन एज जीरो इंटू वन बाय जीरो, वट इज वन बाय जीरो, इन्फिनिटी। वन बाय जीरो इज नॉन सेंस, वन बाय टेंड्स टू जीरो इज इन्फिनिटी। मैं पहले ही अपना इंटेंशन क्लैरिफाई कर चुका हूँ, मैं बोलूंगा इसे जीरो बाय जीरो, बट इट्स टेंड्स टू जीरो बाय टेंड्स टू जीरो। उस फॉर्मेट को नाम बोला जाता है जीरो बाय जीरो, लेकिन वो है टेंड्स टू जीरो अपन टेंड्स टू जीरो। अगर नीचे वाले को टल्ला मारो खिसक के ऊपर उचकेगी तो क्या बनेगी, जीरो इंटू इन्फिनिटी। सेम सही है, अगर हम टाइम ढंग से डिवोट करें और लगा दें टाइम, तो आपको पता पड़ेगा ये भी वही है, ये भी वही फॉर्मेट है, ये सब कुछ भी अलग नहीं है, इनफैक्ट ये भी वही है। लेकिन इसके लिए तो एक छोटी सी चीज़ बोली जाती है लोगों के द्वारा कि अरे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेंट कैसे है, ये तो जीरो होना चाहिए। सही है, अगर यही जीरो होता तो फिर दुनिया में कुछ बचता ही नहीं। देखो ये वन, बाजे बाजे वन, बाजे बाजे वन, बाजे बाजे जीरो, इट्स जीरो। जीरो किसी से मल्टीप्लाई कर दो जीरो, वन पे कुछ भी चढ़ा दो वन, जीरो पे कुछ भी चढ़ा दो जीरो, इन्फिनिटी पे कुछ भी चढ़ा दो इन्फिनिटी। ऊपर वाले को देखोगे वन, किसी पे जीरो वन, चैप्टर क्लोज, लिमिट बंद, खत्म। अरे भैया बैकबोन है डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस की, मजाक थोड़ी है कोई। इसी में तो सब कुछ सारे कंसेप्ट हैं। हौले हौले, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को इंडिटर्मिनेंट फॉर्म क्यों डिक्लेयर किया गया, सबसे ज़्यादा पैसे इस बात के कि
कि यार साला ये तो सेम चीज़ है, इसको काट के जीरो क्यों, सबसे ज़्यादा दुखी लोग भाग इसी के लिए हुए। तो हमने एक बहुत सिंपल सी बात बोली, एक वन स्टेटमेंट है सिर्फ, व्हाट इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर, पहली चीज। दूसरी बात, इन्फिनिटी इज एन इमेजिनेशन, ठीक है। एंड इफ सपोज यू कंसिडर इट एज अ रियल नंबर, सपोज इफ यू वॉन्ट टू कंसिडर इट एज अ रियल नंबर, देन इट इज अ नंबर विच इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट नंबर विच यू कैन कंफर्टेबली अज्यूम। है, आप जो नंबर बोलोगे सबसे बड़ा, मैं उससे बड़ा नंबर बोल के बता दूंगा, तो इन्फिनिटी तक तो पहुंच पाना असंभव था, ठीक है। लेकिन सपोज किसी दिन बैठ के, बहुत प्यारी चीज है, देखो किसी दिन बैठ के किसी ने डिसाइड किया कि आज के बाद 10 CR को, 10 करोड़ को इन्फिनिटी बोला जाएगा, सपोज 10 करोड़ को इन्फिनिटी बोला जाएगा, तो 10 करोड़ माइनस 10 करोड़, सो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज जीरो, सही है। 10 करोड़ को इन्फिनिटी डिक्लेयर कर देने पे 10 करोड़ एक को क्या बोला जाने वाला है, इन्फिनिटी। भैया इन्फिनिटी इज लाइक समंदर, समंदर में से एक आध दो पांच दस पंद्रह बीस बाल्टियां निकाल लेने से या जोड़ देने से उस पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला, ये तो हमें समझ में आता है, सही है। वो वैसा ही दिखेगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा, सो इन्फिनिटी विल बी इन्फिनिटी, 10 करोड़ एक और इन्फिनिटी भी ही है, समझ रहे हो। लेकिन आज डिफरेंस कितना है 10 करोड़ एक और 10 करोड़ के बीच में, जल्दी बोलो, 1, यानी कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैन बी 1। नहीं समझ आ रहा, 10 करोड़ 10, 10 करोड़ 10 भी इन्फिनिटी है, लेकिन डिफरेंस कितना, 10। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैन बी इक्वल्स टू 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैन बी इक्वल्स टू 1, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैन बी इक्वल्स टू 10। नहीं आ रहा समझ में, 10 करोड़ को अगर इन्फिनिटी डिक्लेयर किया गया तो 20 करोड़ कितना है, जल्दी बोलो, 20 करोड़ कितना है, डिफरेंस कितना है, इन्फिनिटी। 10 करोड़ नहीं है, अरे मतलब क्या होता है, 10 करोड़ और 20 करोड़ के बीच में डिफरेंस कितना है भाई, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का डिफरेंस इन्फिनिटी भी हो सकता है, फाइनाइट आएगा ये कोई जरूरी नहीं है साहब। इसीलिए तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स है कि इनके आंसर यूनिकली डिटरमाइन नहीं करे जा सकते, क्लियर है क्या, यूनिकली डिटरमाइन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, शांति, लिख लो कॉपी में ऊपर, हाँ बात ही नहीं करी जा रही ना। 1 raised to power infinity, 0 raised to power 0 और infinity raised to power 0, लोग अड़ गए, कह रहा हमें तो बताओ यार ये वाली फॉर्मेट ये कैसे। तो हमने बोला देखो भाई संयम तो रखना पड़ता है कभी कभी, यहाँ एक छोटा सा बॉक्स बनाओ, इस बोर्ड पे सारी वो चीजें आ गई है जो बेसिक लेवल पे लोबा हक के आते हैं, सब आ गया इस पे। एल मान लो, एल किसको, 1 raised to power infinity नाम की फॉर्मेट को, इसे एल मान लिया और इसका लॉग ले लिया, पावर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के क्वेश्चन लॉग लेके ही सॉल्व करे जाते हैं, क्योंकि फिर वही बात, इस दुनिया में दो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आई थी सिर्फ, 0 by 0 और infinity by infinity। लोग बाग जब मल्टीप्लीकेशन और डिवीज़न में लिखे हैं और अचानक से आपको दिखे कि यहाँ पे जनता आसमान में चढ़ी है, तो उसे ज़मीन पे लाने का एक ही तरीका है, लॉग लेके। नहीं आता इससे, आसमान में चढ़ी चीज़ उचक के खट से आगे आ जाएगी, चरणों में पेश हो जाएगी आपके, नहीं समझे, सुन रहे हो क्या। एल एन एल, एल माना मैंने इस लिमिट को, इस लिमिट को मैंने एल नाम लिया, 1 raised to power infinity फॉर्मेट का जो भी आंसर आने वाला था उसे मैंने L माना और मैंने इसका लॉग ले लिया, एल एन एल। जैसे ही मैंने लॉग लिया, देखो 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 इन्फिनिटी चक क्या गया, N2 कौन बचा, LN, 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 one, LN one क्या होता है, ये वन नहीं था, ये टेंड्स टू वन था, तो ये जीरो नहीं आएगा, इनके भी रिश्ते हैं, वो क्वेश्चन में समझेंगे, अभी यहां समझेंगे तो फिर तुम बोलोगे कि नहीं नहीं चीटिंग करी है, कह सकते हो तुम कुछ भी। बाकी मेरे मास्टर ने तो मजाक मजाक में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को क्या बोला था, देख बेटा एक इन्फिनिटी को लिख ले 1/0,
दूसरे को लिख लिया 1/0, इट्स दिल पे पत्थरों का सेक्शन, ठीक है. नाउ एलसीएम विल बी 0, 1 - 1, 0, इट्स 0/0 फॉर्मेट. सो फॉर्मेट इज स्टिल सेम, एवरी फॉर्मेट इज डिराइव्ड फ्रॉम 0/0. भाई मजाक की बात नहीं है, सही है. हाँ सच में इट्स फैक्ट. लेकिन इट्स दिल पे पत्थर को सेक्शन, जीरो कौन एलसीएम लेता है भाई, हमने लिया है. हमने लिया भाई ये. नहीं नहीं देखो सर, ये सब चीज़ें जो है ये क्या है कि आप पर्दे पे नहीं दिखा सकते. मैं तो क्या तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट आप कॉपी में अगर आप लिखा होगे. नहीं ये नॉन सेंस तो ऑब्वियसली नहीं है, जीरो थोड़ी है कोई. अगर ऊपर वाले भी टेंस टू वन है. नो बात, एक्चुअली इन्फिनिटी को आपने सिर्फ 1/0 ही क्यों लिखा, लड़ाई यहाँ हो जाती है. 2/0 क्यों नहीं लिखा भाई? ठीक है भाई, मुझे 0/0 लाना था इसलिए नहीं लिखा. इधर 1 लिख दूंगा तो 2 तो कद्दू आएगा 0/0, इसलिए नहीं लिखा. बस सीधी सी बात है, लेकिन लड़ाई तो हो ही सकती है ना, इसलिए. ठीक है चलो, खैर ये सारी बात हो गई कि ये फॉर्मेट आई है ना, इतनी सारी इंडिटरमिनेंट फॉर्म दिखी तो लोगों को लगा कि यार लिमिट नाम की किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई लोगों को, क्या लिमिट होनी चाहिए हमारे पास. लिमिट का यूज़ करके नोशन ऑफ लिमिट डेवलप किया गया कि यार इसके यूज़ से मैं इनकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल पाऊँगा. कैसे निकाल पाऊँगा वो सेक्शन तो खैर पूरे चैप्टर में पढ़ना ही है. लिमिट को समझने के लिए एक उम्दा फिजिक्स का एग्जाम्पल है. फिजिक्स वाले लोग भी बेचारे कोशिश करते हैं इस चीज़ को समझाने की. कोशिश तो देखो फिजिक्स वाले बड़ा करते हैं एक्चुअली कि चीज़ें समझा पाए, हो नहीं पाती, दैट इज डिफरेंट थिंग. एक पार्टिकल है, सपोज वी हैव गिवन अ पार्टिकल विच ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2t² है इन टी टाइम. तो एस इन टर्म्स ऑफ टी गिवन है मेरे को भैया, टी टाइम्स में उस पार्टिकल द्वारा ट्रेवल की गई डिस्टेंस मुझे पता है, सपोज 2t², ठीक है. और क्या पूछा गया है, इन टेनियस स्पीड एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड. ये मीटर है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड. आंसर 8. मिस्टर सुदीप कुमार इज सेइंग 8 मीटर पर सेकेंड. ऑब्वियसली 8 मीटर पर सेकेंड. कोई इत्तफाक रखना चाहता है इनसे? बाकी लोग पिटना चाहते हैं. 82. हाँ 8 ही था. ये आप साथ में क्यों नहीं हो 8 के? हाँ मैं तो क्यों नहीं हूँ, मैं तो क्यों नहीं कह रहे. मैंने बोला इट्स अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल, और मीटर भी लिखा सामने. इट्स अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टी टाइम या इन टी सेकेंड्स इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू 2t². तो व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड. मैं कौन होता हूँ भाई इंस्टेंटेनियस को डिफाइन करने वाला? तुम्हें पता नहीं इंस्टेंटेनियस क्या होती है? कितने अंदर नहीं जाएंगे, 2 सेकंड पे जाके बैठ जाएंगे. अंदर जाने की कहां से बात आ गई भाई? देखो भैया सीधी बात, आप एक्चुअली एक गाड़ी चला रहे हैं. सपोज आप एक गाड़ी चला रहे हैं, स्पीडोमीटर पे आपको एक स्पीड दिखाई देती है ना. 3 बजे आपको एग्जैक्ट 3 बजे किसी ने फोन किया, व्हाट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, व्हाट विल डू? आप स्पीडोमीटर देखोगे 60 km/h, 60 km/h. 120 होगी तो भी 60 बोलोगे, घर से आया था ना फोन, 60 km/h, इट्स माई इंस्टेंटेनियस स्पीड. किस पे दिखी? स्पीडोमीटर पे. वो उसी को इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है, सही है. और 2 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है. हाँ अब सुनिए, अच्छा इस 2 सेकंड से आगे बढ़ चुके बोल रहे, ओके. अब सुनिए,
एक्चुअल में क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो आप लोग तो यूं ही चुटकियों में निकाल लेते हो एक्चुअली डिफरेंशिएट करके, शायद 8 ऐसे आया होगा आपका आंसर। लेकिन तो मैथ वाले हैं, उन्हें तो क्या है लॉजिक्स पता है ना, दे बिलीव इन लॉजिक्स। ऐसे फर्जीवाड़ा थोड़ी मचाते हैं, डिफरेंशिएट कर दिया, शॉर्ट शूट टी की जगह 2 रख दिया, 8 मीटर पर सेकेंड आगे। नहीं जी नहीं, हमने कैसे, सबसे पहले अगर किसी ने सोचा होगा, डायरेक्ट सपने में आया नहीं होगा बेटा डिफरेंशिएट करने से इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाती है ना, उसने क्या किया होगा, उसने t = 2 सेकंड पे जाके एक टाइम इंटरवल डेल्टा टी का डेवलप किया होगा, हैं? एक टाइम इंटरवल डेवलप किया उसने डेल्टा टी का, तो t1 ले लिया 2 सेकंड, तो t2 कितना हो गया, 2 प्लस डेल्टा टी, हैं? इस पे s1 जो है दैट इज 2t² और s2 जो है दैट इज 2 एक सेकेंड 2 × 2² राइट, 2 × 2 + डेल्टा टी का स्क्वायर। अब सही है, अरे t = 2 सेकंड पे डिस्टेंस ट्रेवल 2 × 2² 2 + डेल्टा टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल 2 × 2 + डेल्टा टी का स्क्वायर। समझ रहे होगे नहीं समझ रहे भैया? अच्छा, अब मैंने एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, पता नहीं आप लोगों को पता है नहीं पता, मैंने तो ये पढ़ा था s2 − s1 / t2 − t, सही है, जिसे हम लोग चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम बोलते थे। सही है क्या? थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हमें एक चीज और पता पड़ेगी, इसका एक नाम एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज ऑल्सो नोन एज एवरेज स्पीड। s2 − s1 / t2 − t1 से काम चल जाता है, हम क्यों जबरदस्ती भेजा लगाए। चलो डेल्टा एस ऊपर ट्यू कॉमन ट्यू प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर −2² अपॉन डेल्टा टी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा अब सुनिए, एक्चुअली इस दुनिया में एवरेज स्पीड करके ही चीज एग्जिस्ट करती है। अगर कोई हमसे ये बोले तो थोड़ी देर के लिए तो हमारा दिमाग ठनक जाएगा कि साला फिजिक्स वाले गेल सी पे बना रहे हैं, हमें इसका मतलब फिजिक्स वाले जो हैं वो तुम्हें गेल सी पे बना रहे हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मुझे याद आया अभी अभी, तो मैं यही पूछ लेता हूँ, मैं मेरी आदत है कि मैं उसी समय पूछ लेता हूँ अगर क्वेश्चन याद आ गया। एक सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट्स विच कैन बी ड्रॉन टू अ गिवन सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू 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 जीरो टू 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 वो उन्हें चढ़ी है ना, रात का टाइम है ना भाई, चुप रहो, इसलिए कुछ नहीं होता, थोड़ा सर उस पर भी हुआ था नशे का, फिर उसने टू बोल दिया लेकिन मन में। सो नंबर ऑफ टेंजेंट्स विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज टू, बचपन से पढ़े आ रहे हैं, दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी, सही है। हम पढ़ने जा रहे थे लिमिट, लिमिट से इसका क्या रिश्ता भाई इस क्वेश्चन का, तो हमने क्या किया इस पी पॉइंट को उठा के एक्चुअली के बाहर लिया है फ्रेम के, पहले के प्लेन में था, वहीं पड़ा था उसके बगल में सर्कल के, तो उस दो टेंजेंट खींच दी उसने, तो हमने क्या किया इस पी पॉइंट को ऐसे ऊपर लिया है ऐसे, यहाँ पे यहाँ आ गया पी पॉइंट। अब इसकी तमन्ना है कि ये इस सर्कल पर टेंजेंट डाले इस पी पॉइंट की, जो कि इस प्लेन में अब नहीं रहा, उसकी तमन्ना है कि वो उस सर्कल के ऊपर टेंजेंट डाले, सही है। तो सुदीप जी कह रहे हैं कि नहीं डाल पाएंगे, जबकि पड़ोसी कह रहे हैं इनफाइनाइट। इन दो लोगों के बीच में कड़ी लड़ाई चल रही थी और अब हम सपोर्टर ढूंढ रहे हैं, सुदीप जी या उत्सव जी, किसके साथ है? जीरो टेंजेंट्स इनफाइनाइट टेंजेंट्स, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, गुड। उत्सव जी, सुदीप जी, उत्सव, सुदीप जी, देखिए बिल्कुल बराबरी चल रही है एकदम, एक आदमी सुदीप जी का साथ देते हुए, एक आदमी उत्सव जी का साथ देते हुए, मुझे लगता है मेरा ही पलड़ा भारी होने वाला है। लेकिन इससे पहले मिकी माउस से पूछते हैं, मिकी माउस नो आंसर नोटा नॉट नन ऑफ द अबव, आपने भी नहीं दिया अभी तक, अच्छा आपने दे दिया, ओके इस मैं
तो सुदीप जी के साथ। ये तो बहुत ही बट ऑब्वियस बात है कि जो आंसर इम्प्रैक्टिकल सा लगेगा वही सही होगा। आप सुदीप जी के साथ क्यों थे? सर कह रहे हैं क्योंकि उसके प्लेन में नहीं आ रहा इसलिए क्या टेंजेंट डालेंगे। मतलब जो लोग प्लेन में नहीं हैं उन्हें जीने का हक नहीं है, किस वजह से टेंजेंट नहीं डालेंगे आप? उसके प्लेन में ही है ना। किसके? सर्कल के? तो अब एक तो ही मैंने बताया था करके तो बदनाम करते हैं ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। सही बता रहा हूँ, मुझे इतना इरिटेशन होता है ना, मैं कुछ नहीं बताता, मैं वो बताता हूँ जो फैक्ट है और मेरे बताने के बाद वो फैक्ट हो जाता है। तो मैंने बताया था कह के बदनाम मत किया करो मेरे को, क्योंकि मैं कुछ बताता हूँ तुम कुछ समझते हो, फिर तुम कुछ चरस फैलाते हो मार्केट में और नाम मेरा बदनाम होता है। इसलिए प्लीज़ मास्टर को बदनाम करना छोड़िए, मैंने कुछ नहीं बताया था। एक दिन हमें अचानक से पता पड़ा कि लिमिट जब हम पढ़ रहे थे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मार्केट में क्लियर होती। यही है भाई जो एक्चुअलिटी जो है ना पूरी कैलकुलस की, दैट इज लिमिट। इसके अलावा दुनिया में कुछ भी एक्चुअल नहीं है वास्तव में। थियोरेटिकली जो भी है मार्केट में वो सब लिमिट है, लिमिटिंग सिचुएशन। यही है लिमिटिंग सिचुएशन ही। अब बात ये है टेंजेंट नाम की कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती साहब, देयर इज नो लाइन, देयर इज नो लाइन आई कॉल्ड टेंजेंट एग्जिस्ट इन द मार्केट, देयर इज नो स्पीड कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एग्जिस्ट इन द मार्केट। यू आर नॉट सपोज्ड टू कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस स्पीड, or you are not eligible to calculate instantaneous speed, because according to the definition, instantaneous speed ki jo definition hai wo kya hai, exact is equals to 2 second pe us particle ki jo speed hai. Ab champu speed tab develop hogi jab distance change hogi, distance tab change hogi jab tu use time interval dega. Ho koi light ki speed thodi bhag raha hai wo, तो बिना टाइम इंटरवल चेंज हुए आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। लाइट स्पीड में ऐसा कुछ होता है, मैंने शायद पता नहीं सेकंड ईयर में मेरे को इतना ही समझ में आया था बस, वो बेचारा फाइट मारता था ना रिलेटिविटी पढ़ाने का, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बहुत फाइट थी भाई पूरे लेक्चर में। मेरे को लाइट स्पीड के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ तो स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा है। कुछ भी नहीं चमकता था, कुछ तो लाइट ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट की बात तो चल रही है। वो कहीं कहीं सी लिख देता था बस, सी होती है ना स्पीड ऑफ लाइट, कहीं कहीं तो वो सी लेता था, इजी कस्ट टू एमसी स्क्वायर वो अक्सर यूज कर लेता, लेकिन वो क्या उसके बाद बेचारा कोशिश करता था कभी नहीं समझ पाया। प्रोफेसर की बात कर रहा हूं। हाँ सुनो, अब यही बात यहां पे है, अरे भैया आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के, आपको स्पीड के लिए चेंज इन डिस्टेंस इज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंस्टेंटेनियस कैसे हुई? ठीक है, इंस्टेंटेनियस तब बनेगी जब इस टाइम इंटरवल को क्या करोगे, जीरो। इंस्टेंटेनियस तब बनेगी जब इस टाइम इंटरवल क्या करोगे, जीरो, तभी तो इस इंस्टेंट पे मिलेगी स्पीड, इसे तो जीरो लिख ही नहीं सकता। अभी इतनी देर से जो चर्चा चल रही है वो यही तो चल रही है, जीरो इन डिनोमिनेटर मेक्स द एक्सप्रेशन नॉनसेंस, बात करना बंद। इसे इंस्टेंटेनियस स्पीड कन्वर्ट करने का एक तरीका डीएस ओवर डीटी से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं, जो कि इसके ऊपर लिमिट ऑपरेट करने से आता है, विच लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो इंप्लाइज डेल्टा टी इज नेवर इक्वल्स टू जीरो। अजी साहब इंस्टेंटेनियस नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती, टेंजेंट नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, सीकेंट है सीकेंट, पंजाब और कतार पे काटती है, धीरे 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 इनकी नजदीकियां बढ़ने लगती है, दे कम क्लोज टू ईच अदर, पंजाब कतार एक दूसरे के पास आने लगते हैं, सुनो सुनो सुनो, जैसे जैसे ये पास आते हैं यही सीकेंट लाइन अपना रूप बदलती है, इस रूप परिवर्तन का जो रिजल्ट है
ये जो बदलते रूप है इसी में से किसी एक का नाम टेंजेंट रखा गया है। जब वो दो पॉइंट इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी बीच की डिस्टेंस को किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं करा जा सकता, को जीरो मान लिया जाता है, को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। इट्स अ नेम, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? क्या हुआ जब ये पी पॉइंट यहाँ आया? जब ये पी पॉइंट यहाँ आया तो इसने इस सर्कल पे टेंजेंट डालना बंद कर दिया, सॉरी सीकेंट डालना बंद कर दिया। सीकेंट बनाए जाने के लिए यू नीड क्रॉस सेक्शन। अरे भैया क्रॉस करके जाने वाला सेक्शन तो दो। नहीं समझ में आ रहा? अगर आप किसी पॉइंट से किसी कर्व के लिए सीकेंट नहीं बना सकते ना, सुनना ही बंद हो गया देखो। यदि आप किसी पॉइंट से किसी कर्व के लिए सीकेंट नहीं बना सकते तो टेंजेंट नहीं बना सकते, क्योंकि टेंजेंट तो होती ही नहीं साहब, बनाओगे कद्दू? टेंजेंट तो होती ही नहीं है, सीकेंट होती है। वो तो उनके दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, दूरियाँ कम होने लगती है, वो पास आने लगते हैं, वो एक दूसरे में समाने वाले होते हैं, तो सीकेंट टेंजेंट बनती है। जब ऑप्शन ही नहीं दोगे तो टेंजेंट कहाँ से आएगी? समझ गए? तो उस केस का आंसर तो कितना हुआ? जीरो। वजह कुछ और है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ तुम्हारा ही वही मतलब था, मुझे पता है, मैं ही गेले हूँ। हाँ भाई, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। डेल्टा टी को अगर इतना छोटा कर दिया जाए इस टाइम इंटरवल को कि ये जीरो की तरफ टेंड करने लगे, तो ये जो एवरेज स्पीड मेरे को मिली थी यही मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी, यही मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। अच्छा साहब, ऊपर एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर नजर आ रहा था, आ रहा है क्या? चलो साहब, एलिफेंट प्लस कैमल, एलिफेंट माइनस कैमल अपॉन डेल्टा टी। शब्दों पे ध्यान दें, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो मींस डेल्टा टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा टी जीरो नहीं। जैसे ही मैंने ये शब्द सुने बजे, क्योंकि सिर्फ दुनिया में एक ही चीज ने मेरे को रोक रखा था बजाने से पहले, कहीं ये जीरो तो नहीं, क्योंकि हम जीरो को नहीं बजाते। अजी साहब जीरो नहीं बजाया जा सकते ऊपर नीचे, बजाने से पहले ये इंश्योर करना बहुत जरूरी था कि वो जीरो नहीं है। इस नोशन ऑफ लिमिट ने मेरी हेल्प करी, डोंट वरी मैं जीरो नहीं है। समाज ने पूछा भी तो तुम कौन हो? डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो मतलब कि तुम कौन हो? मैं जीरो की तरह अप्रोच कर रहा हूँ, मैं जीरो से जस्ट बड़ा, मैं जीरो से जस्ट बड़ा एक नंबर हूँ। सही है, जिसे किस में जोड़ा गया? फोर में। किस से मल्टीप्लाई किया गया? टू से। अप्रॉक्सीमेट आंसर दिया गया 8.00000000 एंड 100-200 पीढ़ियों तक, थ्यू या वन जो आपकी मर्जी हो रखो, नहीं जीरो नहीं रख सकते, खिसकना जरूरी है। अगर तुमने 000 रख दिया फिर तुम खिसके कहाँ? अरे 8 से जस्ट बड़ा तो बोलो बे, हैं? नहीं नहीं, जीरो बार क्या के कुछ लिख ही नहीं सकते आप, बार खत्म हो जाता है। जीरो बार वन कैसे लिख सकते हो? टॉमी टच 8.00। तुम पता नहीं भाई कौन सी बुक्स पढ़ते हो, मुझे क्या पता। अरे तो तुम किसी भी किताब में, मैं कोई किताब लिख दूं, मैंने उसमें कुछ भी लिख दिया, अब व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी भाई? नहीं साहब, हम तो बिना पढ़े पास हुए ना भाई, तुम तो समझ ही नहीं रहे हो। ही इज जस्ट सिंपली चैलेंजिंग कि सर आपने जब पढ़ा तब टेक्नोलॉजी अलग थी, हम जब पढ़ रहे टेक्नोलॉजी अलग है। अजी साहब किसी में भी नहीं, चल भाई कंट्रोल। 8.00000 100-200 पीढ़ी तक, फिर उसके बाद वन, ठीक है। अब चूंकि इन एफिशिएंसी मान लो या इनसफिशिएंसी मान लो, अलग अलग बातें बोली मैंने, है ना, हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो डेसिमल के इतने डिजिट्स तक एक्यूरेट आंसर दे पाए, तो लोगों ने बोला कि यार इसे 8 मीटर पर सेकंड ही बोल लो यार, इसे अप्रोक्सीमेटली लोगों ने 8 मीटर पर सेकंड मानना चालू कर दिया है। अब चूंकि वो मैथमेटिशियंस थे,
एक आंसर लेके आया, पहुंच गया भाई ग्रुप के पास कि देखो भाई मेरा ये आंसर आया है। अब एक जने का आंसर आ जाए, दूसरे को कहां बर्दाश्त है ये बात, बर्दाश्त सवाल ही नहीं पैदा होता। एक जना अगर आंसर निकाल के लेके गया है तो दूसरा उसे इजीली एक्सेप्ट कर ले, ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं साहब। कुछ ना कुछ नुक्स तो वो 100% निकालेगा। उसने बोला मुन्ना तू t = 2 सेकंड पे जाके डेल्टा टी का टाइम इंटरवल बना के बैठा। देखो बहुत वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि फर्स्ट टाइम है। डेल्टा टी टाइम इंटरवल, इंटरवल एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, डिफरेंस एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन 3 and 5 इज 2 एंड डिफरेंस बिटवीन 5 and 3 इज 2। ये कमाल की बात है। 5 और 3 या 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 ही है, डिफरेंस है ना भाई। टाइम इंटरवल एक बहुत बढ़िया चीज़ है, सही है। आपको t = 2 सेकंड और t = 3 सेकंड में पूछे जाने वाले, सुन रहे हो क्या, t = 2 सेकंड और t = 3 सेकंड में पूछी जाने वाली एवरेज स्पीड का क्वेश्चन अलग है, और t = 2 सेकंड पे जाके डेल्टा टी का टाइम इंटरवल क्रिएट करके उसके अंदर पूछी जाने वाली एवरेज स्पीड अलग है। ये अलग अलग बात थी क्वेश्चन, कैसे अलग अलग है। जब आपको डेल्टा टी टाइम इंटरवल बनाने को बोला गया, साला तुम आगे क्यों गए, पीछे क्यों नहीं आए। बात तो सही, मेक सेंस। कहने का मतलब आप t = 2 सेकंड और t = 2 − δt सेकंड के बीच में भी तो आप अपना यही प्रोग्राम सेम फिल्मा सकते हो, समझ रहे हो क्या। अगर ये भी तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल ही है भाई, इसमें भी तो एवरेज स्पीड निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती, नहीं निकाली जा सकती। लो साहब, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम, चेंज इन डिस्टेंस 2 × 2² −2 × 2 − δt का स्क्वायर, समझ रहे हो कि नहीं, अपॉन दिस माइनस दिस, टाइम 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 तो डेल्टा टी है यार, टाइम इंटरवल तो वही है, सही है। लोगों ने बोला हमें तो इंस्टेंटेनियस चाहिए थी, आप तो एवरेज लिख के बैठे हो। हमने बोला लिमिट चढ़ा दो, लिमिट में क्या चढ़ाएं, डेल्टा टी ओवर जीरो। इस टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर दीजिए, इस टाइम इंटरवल को इतना छोटा कर दीजिए कि ये एक इंस्टेंट के बराबर नजर आए, सही है। अगर डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, इस पर लिमिट लगा दी जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिए, यही चीज़ आपके डिफरेंशियल कैलकुलस में काम आएगी। ये दिस कन्वर्टेड इनटू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज विच इज़ कॉल्ड ds/dt, समझ रहे हैं। यहाँ साइड में इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करी, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, 2 कॉमन, एलिफेंट प्लस कैमल इज 4 − δt, एलिफेंट प्लस कैमल लिखा है, एलिफेंट माइनस कैमल इज डेल्टा टी। किसी ने बोला भैया डेल्टा टी जीरो को अप्रोच कर रहा है, का मतलब डेल्टा टी जीरो नहीं है, बाजे है, तो डेल्टा टी कौन है, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर 4 में से सबट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया, 4 से जस्ट छोटा नंबर × 2, 8 से जस्ट छोटा नंबर अप्रॉक्सीमेटली। हमने जब लिखा तो 7.9999999 100-200 पीढ़ियों तक, समझ रहे हो, क्योंकि हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे जो इसे इतने डेसिमल प्लेस तक मेजर कर पाए, तो इसे अप्रॉक्सीमेटली 8 m/s डिक्लेयर किया गया, सही है। क्या थी ये दो चीजें, क्यों इसे 8 m/s को आंसर डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि सेम आया दोनों तरफ से। जब अप्रोच करवाया गया किसको, t = 2 सेकंड को, ध्यान दीजिए, इन दिस केस t = 2 सेकंड, सुनो, अगर डेल्टा टी, सुन रहे हो क्या, ये बहुत प्यारी चीज है, ये तो बहुत उम्दा चीज है जो मैं बोलने जा रहा हूं। क्या एक कर्व है, इस पे एक सीकेंट बनाई, पंजाब कतार, स्लोली क्या हुआ, कतार पंजाब की तरफ अप्रोच करने लगा। कतार पंजाब की तरफ अप्रोच करने लगेगा, यहां आएगा क्यू डैश पे, स्टिल सीकेंट, और पास क्यू डबल डैश स्टिल सीकेंट। एक दिन ऐसा आएगा कि कतार पंजाब में समाने वाला होगा, उस दिन ये सीकेंट लाइन किस में कन्वर्ट होगी, टेंजेंट में। क्वेश्चन ये है कि टेंजेंट एट पी बनेगी कि टेंजेंट एट क्यू बनेगी,
प्रश्न ये है कि अगर कतार पंजाब की तरफ आने लगे तो ये सीकेंड लाइन टेंजेंट एट पी बनी कि टेंजेंट एट क्यू बनी? टेंजेंट एट पी। अच्छा, इस कतार का तो सवाल ही नहीं पता, कतार का तो अस्तित्व गायब हो गया जब कतार पंजाब के पास आ रहा है। लेकिन यही बात उल्टी, अगर पंजाब कतार के पास जाता तो भी ये सीकेंड लाइन टेंजेंट लाइन बनती, लेकिन उस दिन ये कहाँ बनती? क्यू पे बनती। किसपे बनती? क्यू पे, है ना। तो सुनो, अगर ये डेल्टा टी आप जीरो लगा रहे हो, ये टाइम इंटरवल अगर जीरो हो रहा है तो ये चीज किसे अप्रोच कर रही है? टू को, और टू कौन है? ये, यानी कि टी टू अप्रोचेस टी वन, मतलब टी वन इज बीइंग अप्रोच फ्रॉम राइट हैंड साइड। टी वन को राइट साइड से अप्रोच किया गया, समझ रहे हो? इन दिस सिचुएशन अगेन, जब मैंने डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो लगाया तो टू माइनस डेल्टा टी किसकी तरफ जा रहा है? टू की तरफ, यानी कि ये वाला टाइम अप्रोचेस दिस टाइम। नहीं समझ आ रहा? मान लो इसे टी थ्री मान लिया, ये टी वन है, टी थ्री अप्रोचेस टी वन, उल्टा हर टी वन इज बीइंग अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। दो अलग अलग परिस्थितियां हैं। अगर आपको 2 सेकंड पे जाके डेल्टा टी का टाइम इंटरवल बना के एवरेज स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड में बदलने को कहा गया तो आपने दो दो परिस्थितियां बनाई, जिसमें एक परिस्थिति में 2 सेकंड राइट साइड से अप्रोच करवाया गया, एक कंडीशन में 2 सेकंड लेफ्ट साइड से अप्रोच कराया गया। देखा गया कि आने वाली इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों केस में 8 मीटर पर सेकंड को अप्रोच कर रही है। डिक्लेयर कर दिया गया कि 8 मीटर पर सेकंड इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जो कि आप डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके पीछे की जो पर्दे के पीछे की स्टोरी वो ये है, वो आंसर आपका आंसर इसलिए माना गया क्योंकि दोनों साइड से सेम आया। नहीं आया होता तो डिक्लेयर नहीं कर पाते, सही है। वो चूंकि आया इसलिए आप लोग डायरेक्टली दे देते हो, समझ रहे हो क्या? यहाँ पे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिक्लेयर किया गया, एंड दैट वॉज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। दिस पार्ट ऑफ द मूवी इज नोन एज एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स is said to exist, is said to exist, देखो ध्यान से, if with an extra f, I double f, limit x approaching a plus, बहुत सारी चीजें बता दूंगा इसके अंदर में, limit x approaching a plus f of x is equals to limit x approaching a minus f of x is equals to a finite quantity। इसमें मैंने बहुत सारी नई नई चीजें यूज करी, a प्लस a माइनस। जब भी किसी फंक्शन की लिमिट या वैल्यू पूछी गई किस पे, x अप्रोचिंग a पे, तो मैंने अपने दिल पे लिया इस बात को और मैंने ये सोचा कि मेरे से ये बोला गया है कि a की तरफ चलिए। ए की तरफ चलने के मेरे पास दो रास्ते थे, एक फ्रॉम राइट हैंड साइड, एक फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। द मोस्टेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द चैप्टर ऑफ लिमिट, मोस्टेस्ट क्या? एक्स अप्रोचिंग ए मींस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू ए। मुझे सिर्फ ए की तरफ अप्रोच करना है। अगर मुझे ए की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच करने को बोला जाएगा, राइट हैंड साइड से अप्रोच करने को बोला जाएगा, तो एक्स हमेशा ए से जस्ट बड़ा रहेगा। बोलो, समझ आया क्या? अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने को बोला जाएगा तो एक्स हमेशा ए से छोटा रहेगा, हमेशा, क्योंकि मुझे ए पे नहीं पहुंचना। लिमिट वाले चैप्टर में मैं कभी भी उस पॉइंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जिसकी लिमिट पूछी गई है। मैं हमेशा उसके नेबरहुड में इंटरेस्टेड हूँ, उससे जस्ट बड़े और उससे जस्ट छोटे पे क्या हुआ भाई, समझ रहे हो?
चलिए, ए से जस्ट बड़े नंबर को चूंकि चूंकि किसी भी रियल नंबर से जस्ट बड़ा या छोटा नंबर हम रियल एज ए रियल नंबर डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर कोई मेरे से टू से जस्ट बड़ा नंबर पूछेगा मैं चुप रहूंगा, बिकॉज इट इज नॉट अ रियल नंबर। ठीक है, आप उसे स्पेल करके नहीं बता सकते कि वो नंबर कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए नोटेशन बनाए गए, ए प्लस ए माइनस। ए प्लस और ए माइनस इज अ नोटेशन विच इज यूज्ड फॉर ए से जस्ट बड़ा नंबर इज ए पॉजिटिव, ए की पॉजिटिव साइड, ए से जस्ट छोटा नंबर ए की नेगेटिव साइड। सही है, ए माइनस डिनोट, अब सुनिए ध्यान से, एक्स अप्रोचिंग ए माइनस। सही है, कई गिल्सपी लोग जो होते हैं वो इसे कैसे पढ़ते हैं, देखो पढ़ने पढ़ने का डिफरेंस है साहब। जब कोई वाइवा लेने बैठा है तो वो सिर्फ आपकी इतनी नॉलेज चेक कर रहा है कि आपने कितनी एक्यूरेसी से चीजें पढ़ी। एक्स अप्रोचिंग ए माइनस, सर एक्स ए माइनस को अप्रोच कर रहा है, ए माइनस कौन है, ए से जस्ट छोटा नंबर, तो चार पांच ग्राम की चीजें सीखे है फैला दी में रहता। एक्स किसे अप्रोच कर रहा है बेटा, एक्स ए माइनस को अप्रोच कर रहा है, ए माइनस कौन है, ए से जस्ट छोटा नंबर नहीं है, गिल चिपे ए माइनस नोटेशन है जो ए से जस्ट छोटे वाली पोर्शन को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। सही है, या फिर और अच्छे से बोला जाए तो ए माइनस एक ऐसा नोटेशन है जो को ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच करने को डिनोट किया जाता है, ए इज बीइंग अप्रोच फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। सही है, अगर आपने बहुत ही प्यार से पढ़ी ये चीजें तो एक्स अप्रोचिंग ए माइनस को पता है आप कैसे बोलेंगे, एक्स अप्रोच्ड ए वेयर ए इज बीइंग अप्रोच्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्लैट हो जाएगा, मतलब कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है चीज। एक्स अप्रोचिंग ए प्लस मतलब एक्स अप्रोच टू ए वेयर ए इज बीइंग अप्रोच्ड फ्रॉम राइट हैंड साइड, एक्स हमेशा ए से जस्ट बड़ा है, ये हमने अपने दिल के अंदर बैठा रखी बात। हेयर एक्स इज जस्ट ग्रेटर देन ए, हेयर एक्स इज ग्रेटर देन ए, एक्स इज जस्ट लेस देन ए, ए को लेफ्ट साइड से अप्रोच किया गया, इस लिमिट को बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, इस लिमिट को बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। ये जो हमने निकाली दिस वॉज माई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो मैंने निकाली दिस वॉज नोन एज राइट हैंड लिमिट। व्हेन लिमिट इज सेट टू बी एग्जिस्ट, व्हेन आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल एंड बोथ मस्ट बी इक्वल टू अ फाइनाइट क्वांटिटी, दोनों इन्फिनिटी हो जाएंगे तो मैं उसे एग्जिस्ट नहीं बोलूंगा भाई। अरे अगर इन्फिनिटीज को ही कंपेयर कर सकते थे तो एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म गायब नहीं हो जाती। यू आर नॉट अलाउड टू कंपेयर टू इनफाइनाइट्स। सही है, इक्वलिटी सिर्फ तभी बोली जा सकती है जब ये फाइनाइट क्वांटिटी होगी। समझ रहे हो क्या, दोनों लिमिटिंग वैल्यू बराबर है और अगर फाइनाइट आए तो लिमिट इज सेट टू एग्जिस्ट। क्लियर?